गदरपुर में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह वनकोटी उपनिदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड ने बताया कि गदरपुर में 7 विषयों पर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षक भी मौजूद हैं और स्थान भी चयनित कर लिया गया है और जल्द ही डिग्री कॉलेज की भूमि चयनित कर अगले सत्र से शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर मधुकेश गुप्ता प्राचार्य डिग्री कॉलेज गदरपुर ने बताया, गदरपुर में इस सत्र से 200 एडमिशन संभावित हैं और आवश्यकता पड़ी तो अधिक भी किए जा सकते हैं। यह कला वर्ग के विषयों पर पढ़ाई होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे दूर काशीपुर अथवा रुद्रपुर पढ़ने जाते थे, जिसे छात्र छात्राओं को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और बच्चे के माता पिता भी कई बार दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को भेजने में असमर्थ होते थे। इसलिए बच्चों के आने जाने का समय और खर्च बचेगा, इसलिए डिग्री कॉलेज गदरपुर में शुरू कर दिया गया है और इस सत्र से 200 एडमिशन संभावित हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अगले सत्र से डिग्री कॉलेज की शिक्षा डिग्री कॉलेज के प्रांगण में होगी, जिसके लिए भूमि का चयन गदरपुर चीनी मिल में किया गया है। जो महाविद्यालय खोला जा रहा है, इसमें शुरुआत में सर 7 सब्जेक्ट हैं, 7 विषय हैं और प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और बाकी स्टाफ जो है एक माह के अंदर जो है डायरेक्टोरेट द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। भूमि चयन जो है हमारे की उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो चीनी मिल है उसमें जो है भूमि का चयन किया गया है और बाकी प्रक्रिया जारी है तो और शीघ्र ही हमें जो है जमीन मिल जाएगी और भवन निर्माण का कार्य शुरू होने वाला। शिक्षा कार्य हम 10 तारीख से शिक्षण कार्य शुरू करेंगे, जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होती है शिक्षण कार्य फौरन शुरू होगा। क्षेत्र के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है और उच्च शिक्षा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज गदरपुर में विधिवत डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी के द्वारा हो रहा है। मैं निदेशालय की ओर से माननीय अरविंद पांडे जी को और माननीय धन सिंह रावत जी को निदेशालय की ओर से धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद यहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से और कई बार सामाजिक कुछ अपवाद होने की वजह से हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में नहीं जा सकती थी और यहाँ के अभिभावकों की बच्चों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी। आज भगवान की कृपा से, हमारे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। मैं अपनी तरफ से अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी साथियों का, पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते थे, उन सब की कमियों को पूरा करते हुए आज महाविद्यालय की स्थापना हुई। आज प्रवेशोत्सव का पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत प्रमुख विषय हैं, 7 विषय हैं, उन 7 विषयों के तहत पहली बारी में ही 7 विषय स्वीकृत होना अपने आप में ऐतिहासिक काम है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेन काम महाविद्यालय की स्वीकृति दिलाना, पदों का सृजन कराना, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। दोनों काम हो गया, आज प्रवेश की प्रक्रिया चालू हो गई और मुझे लगता है कि कम से कम 200 बच्चे तो कम से कम इस बीए की कक्षाओं में एडमिशन लेंगे और मैं आपके माध्यम से ये हमारी घोषणा नहीं, हमारा संकल्प है कि जो अगला सत्र होगा अगले सत्र में बीएससी की कक्षाएं भी चलेंगी और बीकॉम की कक्षाएं भी चलेंगी, यानी कॉमर्स की पढ़ाई भी होगी और बहुत जल्दी हम कैबिनेट से कम जितनी आवश्यकता महाविद्यालय को होगी उतनी ज़मीन भी हम कैबिनेट से स्वीकृत करके हम नए भवन के लिए पैसा भी संचालन किया गया। अब बिल्कुल हाँ, चीनी मिल का प्रस्ताव, जो चीनी मिल की हमारी बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन है जिस पर NDRA पिछले समय काम कर रही है, उसी के तहत अधिकांश भूभाग जितने महाविद्यालय को उच्च शिक्षा को जितनी आवश्यकता होगी उतने का प्रस्ताव हमने DM से भिजवा दिया शासन को और बहुत जल्दी कैबिनेट